वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मेरी मॉर्निंग पहले हो गई है तो सबसे पहले उठ के मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया और अभी कोकोनट ऑयल और कॉफ़ी पी के रेडी हो गया हूँ कार्डियो करने के लिए। और फिर कार्डियो जल्दी से करता हूँ और फिर आपसे। मेरा कार्डियो हो गया, देख सकते हैं पसीने में लथपथ हो गया। आजकल मैं 35 मिनट्स कार्डियो कर रहा हूँ, 5 मिनट्स बढ़ा दिया बिकॉज अभी अगस्त से या जुलाई से फिर से रिपिंग स्टार्ट कर दूंगा, जैसे भी रिक्वायरमेंट रहेगी ब्रांड्स की, कि जब तक मुझे बोलेंगे श्रेड होने के लिए तो जल्दी से श्रेड हो जाऊंगा। अभी तक तो 5 किलो मैं ऑलरेडी गेन कर चुका हूं और वर्कआउट के बाद कार्डियो के बाद मैं लेता हूं WOP का वे प्रोटीन। अगर आपको ट्राई करना है बिकॉज ये आता है L-carnitine और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के साथ, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में होगा। बहुत अमेजिंग वे प्रोटीन है फॉर फैट बर्निंग, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा फैट बढ़ेगा ही नहीं, L-carnitine उसको मैनेज करेगा और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी। तो मैंने कार्डियो कर लिया, जल्दी से रेडी होके आप लोगों से फिर से मिल। तो गाइस एक बार ऐप्स चेक करना तो बनता ही है और अभी गेनिंग पे गेनिंग हो जा रही है, लेकिन अभी तक ऐप्स उतने बुरे तरीके से ख़राब नहीं हुए, प्रॉपर सिक्स पैक है आप देख सकते हैं। और जब हम लोग रिप करेंगे तब तो बहुत अमेजिंग शेप ही होगा। तो मैंने इस बार शेप से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आप देख सकते हैं मसल मास बहुत बड़ा है लेकिन एप्स वहीं पर है। तो मैं रेडी हो चुका हूँ और मिलते हैं स्टोर पे। तो गाइस मैं स्टोर पहुँच गया हूँ और आज एक फूड जॉइंट की ओपनिंग में जाना है जिसका नाम है डंकिन मंकी। तो एक फ्रेंचाइजी है, स्पेशली ये बनाते हैं जो हेल्दी स्मूदीज रहती है। तो जो उनके ओनर है उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ है बिकॉज वो मेरा फ्रेंड है। तो फिर वहाँ चलेंगे और देखेंगे कैसे कैसे जो प्रोटीन स्मूदीज रहते हैं या फिर जो स्नैक्स रहते हैं वो कैसे है, टेस्ट करके आपको बताऊँगा और जाना चाहिए कि नहीं ये भी बताऊँगा। तो वेट करते बिकॉज मेरा फ्रेंड है सूरज, वो आएगा मुझे पिक करने के लिए। तो सूरज को आने देते हैं और उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं डंकिन मंकी। तो गाइस कुछ पागलपंती करने के लिए मेरे साथ है कोमल और साथ में इसको तो जानते हो संकेत को, हमेशा आप लोग देखते रहते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं रास्ते के ऊपर टिकटॉक वीडियो शूट बिकॉज आप लोग ज़्यादा प्यार मुझे दे नहीं रहे हो यूट्यूब पे, तो मैं सोचा मैं टिकटॉक में ही थोड़ा मेहनत कर लूँ तो शायद फेमस हो जाऊँ। तो चलिए रास्ते पे बनाते हैं कुछ टिकटॉक वीडियोस। सो हो गया एनी भाई का टिकटॉक, अरे चेकअप कर रहे हैं भाई। तो गाइस जैसा मैंने बताया हुआ था सूरज आने वाला था मुझे पिक करने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं, कौन सा जगह का नाम क्या है, डंकिन मंकी। तो वहाँ पर जाके हेल्दी शेक्स ट्राई करेंगे। सूरज तू क्यों नहीं हेल्दी बन रहा है यार, पहले तो इतना फिट था, सिक्स पैक एब्स थे, ठीक है तेरे सिक्स पैक एब्स लेकिन अभी फिर से मेहनत करने वाला। तो चलिए चल के देखते कैसा है डंकिन मंकी। और साथ में मेरे साथ है संकेत और कोमल, एज यूजुअल ये साथ में ही रहते हैं हमारे से। तो देखते जाके कैसा है वहाँ का, टेस्ट करेंगे और आपसे शेयर करूँगा। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ, तो इस जो ब्रांड का नाम है दैट इज डंकिन मंकी। तो अंदर चल के देखते हैं, आज ही इनका इनॉग्रेशन हुआ है तो बहुत अमेजिंग तरीके से सेटअप किया हुआ है, तो अंदर जाके देखते हैं कैसा है। तो गाइस आई स्पॉटेड टू फूड ब्लॉगर्स, तो लक्षा को आप पहले देख चुके हो मेरे चैनल पे और ये है नेहा जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है और साथ में फूड ब्लॉगर भी है। तो लक्षा एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स को देखा हुआ है कि उन लोग जैसे रोज ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करते हैं तो मोटे हो जाते हैं, तो तुम इतने कैसे फिट हो और आप भी इतने फिट कैसे हो लाइक प्रॉपर तरीके से? आई हैव बीन इन टू स्पोर्ट्स, लाइक आई हैव इवन रिप्रेजेंटेड इंडिया ट्वाइस फॉर मार्शल आर्ट्स। तो अभी भी वो चालू है क्या वो? हाँ, वो मार्शल आर्ट्स इज गोइंग ऑन, बट लास्ट ईयर मेरा हार्ट फ्रैक्चर हो गया था तो आई वेस्टेड द वन ईयर इन द ट्रीटमेंट एंड ऑल, बट स्टिल कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। मतलब अगर आप फूड ब्लॉगर हो तो भी आप फिटनेस मेंटेन कर सकते हो अगर चाहो तो। आपका क्या, लाइक आप कैसे मेंटेन करते हो? आई एम फॉलोइंग एनी भैयास YouTube चैनल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक वेरी ऑनेस्टली आई एम फॉलोइंग। अच्छा अच्छा, सो ही इज द वन हु मोटिवेट्स। सो आप जाते हो क्या जिम करते हो कुछ? Yes, that's a very good thing. Because क्या होता है, मैं सारे जितने फूड ब्लॉगर्स हैं सब मेरे फ्रेंड्स हैं, सबको जानता हूँ अच्छे से, तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप जो खा रहे हो उसको लाइक बाहर निकालोगे तो आप कभी ज्यादा मोटे नहीं होगे। और लक्ष्य तो एकदम मतलब ये कम्प्लीटली मैं इसको देखा हूँ, ये कभी मतलब और इसके पोज देखता हूँ मेरे मुंह में पानी आ जाता है हमेशा। तो आप लोग इनका इंस्टाग्राम हैंडल बता दो एक बार। नागपुर बस। और आपका? तो आपको अगर अमेजिंग फूड्स देखने हैं जैसे मैं हमेशा देखता हूँ, और जब मैं किटोटो में रहता हूँ जब मेरा नमक वमक सब बंद रहता है तो आप लोगों के पेजेस देखता हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि कभी तो खाने को मिलेगा और मैं अपना खाना खा लेता हूँ। तो अगर आप भी फिटनेस फ्रीक हो और ऐसे अमेजिंग फूड्स आपको देखना है तो इनका पेज ज़रूर फॉलो करिएगा, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए यहाँ का भी टेस्ट करते हैं और आपसे मिलता हूँ थोड़ा देर।
तो गाइस मेरे साथ है ड्रंकन मंकी के जो ओनर है, तो ये निकलेश है, मेरे फ्रेंड है, तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था। और आप सबको पता है कि मैं जितने भी हेल्थ वाली चीज़ें या फिटनेस फूड है वो मैं हमेशा ज़रूर कवर करता हूँ। तो थोड़ा अपने ब्रांड के बारे में बताइए निकलेश। तो ड्रंकन मंकी हैदराबाद का ओरिजिनेटेड ब्रांड है। अच्छा अच्छा। इसके 70 आउटलेट है पैन इंडिया। इनका मेन मोटो यह है कि इंडिया को हेल्दी बनाए। अच्छा अच्छा। तो वी प्रोवाइड सारे हेल्दी ड्रिंक्स, वेजिटेबल स्मूदीज ले लो, फ्रूट स्मूदीज ले लो, फिर प्रोटीन स्मूदीज ले लो। और तो मेरे लिए वे प्रोटीन वाले स्मूदी जैसा बता रहे थे, तो वो कैसा है, मतलब फ्रेश? उसमें कुछ एडेड शुगर वगैरह कुछ नहीं? शुगर एडेड, नो प्रिजर्वेटिव्स, एवरीथिंग इज फ्रेश। इवन फ्रूट्स भी हम लोकली सोर्स फ्रूट्स होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो यहाँ पे कट करके आपके, तो आपके हिसाब से मुझे कौन सा पीना चाहिए? मैंने एक देखा हुआ था कुछ अरेबियन करके कुछ था, जिसमें नट्स थे और साथ में वे प्रोटीन है 30 ग्राम के आसपास, तो वो वाला ट्राई करेंगे हम लोग। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा है। और साथ में इनको ऑल द बेस्ट कि आपका जो नया वेंचर है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे। और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं जिनको भी हेल्दी ड्रिंक पीने का मन है, बिकॉज जैसे बाहर हम लोग कोई सा भी ड्रिंक पीते हैं उसमें नियर अबाउट लाइक 800 to 1000 कैलोरीज रहते हैं और वे प्रोटीन नहीं रहता, तो अगर आपको वे प्रोटीन वाला कुछ भी पीना रहेगा तो यहाँ ज़रूर आइएगा। इनका नंबर और जो एड्रेस है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो ज़रूर विजिट करिएगा। तो चलिए इनका मेन्यू देखते हैं पहले और मेरे लिए कुछ अमेजिंग सा ऑर्डर करते हैं वे प्रोटीन वाला शेक, और आपको टेस्ट करके बताता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर वे प्रोटीन वाले स्मूदीज हैं, साथ में काफ़ी सारे और ऑप्शन हैं जो नॉर्मल ड्रिंक्स भी पीना चाहते हैं। ये सारे हाइड्रेटर्स करके लिखा हुआ है इसमें, साथ में ये है मील स्मूदीज जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फुलफिल करेगा आपके। तो आप देख सकते हैं वाइड वैरायटी है इसमें, तो आप एक बार आके ज़रूर विजिट करिएगा, बहुत अमेजिंग तरीके से बनाया है। ये अरेबियन नाइट करके जो वे प्रोटीन वाला शेक है वो मैं ट्राई करने वाला हूँ, और साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे और वे प्रोटीन के ऑप्शन हैं। आप देख सकते हैं इसमें 30 ग्राम वे प्रोटीन दिया हुआ है इसमें। अगर आपको एक और स्मूथ ऐड कराना है तो नियर अबाउट 120 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से ठीक ही है, बिकॉज बाकी जगह आप कहीं जाएंगे तो सिर्फ शुगर रिलेटेड ड्रिंक्स मिलते हैं, वे प्रोटीन नहीं रहता। तो चलिए ट्राई करके आपको बता दूँ। तो गाइस मेरा अरेबियन नाइट जो वे प्रोटीन वाला ड्रिंक है वो आ गया है, तो साथ में मेरा सूरज है, बिकॉज इसने पिया हुआ था कौन सा, चॉकलेट ब्राउनी, ब्राउनी शेक पिया हुआ था, तो मैं ये टेस्ट करूंगा और इसको भी टेस्ट कराऊंगा और इससे पूछूंगा कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है। तो पहले अच्छे से मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। दिखने में तो बहुत अमेजिंग दिख रहा है। मेरे को तो बहुत अमेजिंग लग रहा है, बिकॉज मैं ऐसी चीज़ें नहीं पीता हूँ, बट वे प्रोटीन वाला मिल रहा है इसलिए मुझे मज़ा आ रहा है। सूरज एक बार तू टेस्ट करके बता कैसा लग रहा है। मतलब इसका जो चॉकलेट ब्राउनी वाला जो ब्राउनी शेक था वो बहुत अमेजिंग था, बिकॉज बहुत सारा शुगर होता है इसमें, शुगर नहीं है, बट मेरे हिसाब से तो बहुत ही अमेजिंग है और इसका टेस्ट और बहुत स्मूथ है। तो अगर आपको भी फिटनेस फ्रीक जैसे ड्रिंक्स पीना है तो ये ड्रिंक आपके लिए प्रॉपर है, साथ में 30 ग्राम वे प्रोटीन मिल रहा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए मैं ये पी के इन्जॉय करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली हमने ड्रंकन मंकी का शेक पी लिया, तो तुम लोगों को कैसा लगा वो पी के? Awesome. तो तुम लोग तो मेरे ख्याल से वो नॉर्मल वाला ही पिए थे ना, जो शुगर वाला रहता है, लेकिन वो बहुत टेस्टी था, क्योंकि मैंने एक सिप लिया था इन लोगों से, तो मुझे तो लगा वाह क्या अमेजिंग लग रहा है, लेकिन वे प्रोटीन वाला एज अ फिटनेस फ्रीक बहुत अच्छा था, बिकॉज ऐसे शेक्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते। तो आप लोग ज़रूर आके एक बार ट्राई करिएगा, देखिए पीछे दिख रहा है, और आज ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो नई चीज़ें हमेशा ट्राई करनी चाहिए। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप वे प्रोटीन वाला ही पीजिए, बिकॉज 30 ग्राम वे प्रोटीन है उस पर। तो अभी जिम जाने का टाइम हो गया, तो जिम से आने के बाद वापस आप। तो गाइस 10 बज चुके हैं और मेरे सीसीडी जाने का टाइम भी हो गया, और एक इम्पॉर्टेंट काम बचा हुआ है, तो मेरे पास एक गिफ्ट हैम्पर आया हुआ है हैप्पी शैबी एंड बॉम्बे शेविंग कंपनी की तरफ से, तो उसकी अनबॉक्सिंग भी करनी है इस चैनल के लिए, और साथ में थोड़े से इंस्टाग्राम के वीडियोज़ भी बनाने वाले, बिकॉज मैं हैप्पी शैबी का नया फेस हूँ, तो इस वजह से मुझे प्रमोशन करते रहना पड़ता है, अलग अलग जो नई चीज़ें मिलती हैं मुझे। और अभी तक के टाइम तक मैं 28 ब्रांड का एम्बेसडर ऑलरेडी हूँ, जैसा आप सबको पता है मैं एंडोर्स करते रहता हूँ, और सारे ही जो ब्रांड्स हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी के चीज़ें हैं, इसलिए मैं एंडोर्स करता हूँ। तो चलते हैं और सीसीडी में जाके मिलते हैं, और सीसीडी में जो एक बच्चा काम करता है उसका नाम है सागर, जो बहुत अमेजिंग है, वहाँ का स्टाफ है, तो उसका बर्थडे भी है, तो मैं जैसे सबका
बर्थडे पे केक कटवाता हूँ, तो उसके भी बर्थडे में केक कटवाता हूँ बिकॉज वो मेरी बहुत केयर करता है। तो चलिए और मिलते हैं सीसीडी। गाइस गॉट अ पार्सल फ्रॉम हैप्पी शैपी एंड बॉम्बे शेविंग कंपनी। मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला हुआ था जिसमें फादर्स डे का एक कॉन्टेस्ट था, जिसमें मुझे हैप्पी शैपी ने ये गिफ्ट हैम्पर भेजा हुआ है। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। बहुत ही अमेजिंग ऐप है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो ज़रूर आप लोग डाउनलोड करिएगा। इसमें आपको वाइड वेराइटी ऑफ लाइफ स्टाइल की चीज़ें आप परचेज भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं इसके अंदर क्या है। थोड़ा कैमरे को पास लाइए प्लीज़। तो जैसे ओपन करने से एक हैप्पी शैपी का एक हैंड रिटन नोट इसमें दिया हुआ है, साथ ही में बियर्ड कोम दिया हुआ है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जिनको भी बियर्ड रखना पसंद है उनके लिए बहुत अमेजिंग है। साथ ही में आपका बियर्ड ग्रोथ ऑयल है, बियर्ड सीरम है, साथ में मुस्टैच वैक्स है, बियर्ड बटर है, फिर स्टबल ऑयल है, और साथ ही में बियर्ड का शैम्पू एंड कंडीशनर दिया हुआ है। तो बहुत अमेजिंग रेंज इनका है। तो मैं इसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपको परचेस करना है तो ज़रूर परचेस करिएगा। और स्पेशली हैप्पी शैपी ऐप को ज़रूर आप लोग डाउनलोड करिएगा, बहुत ही अमेजिंग ऐप है। अगर आपको लाइफस्टाइल की चीज़ें पसंद है तो ज़रूर उसको डाउनलोड। तो गाइस जैसा मैंने बताया था, आज सागर का बर्थडे है, तो सबके जैसे ये भी मेरा फ्रेंड है, तो इसका भी केक कटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केक काटने के लिए रेडी है सागर, और मेरे सारे मेरे फ्रेंड्स भी साथ में हैं बिकॉज हम साथ में हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। तो जल्दी से केक काटो सागर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सागर, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो अच्छे से केक खाओ, और आज केक लगाने की सेरेमनी चालू है। नहीं, केक लगाने वेस्ट नहीं करना, नेवर वेस्ट द फूड। और इसके फेवरेट फ्लेवर भी हमने ले लिया। अभी इतना हार्ड है, सीधा केक उठा के मारो फट। तो इसको इन्हीं किया ना, ये मैं ही खिलाता हूं सबसे पहले। गरम कैसे करते हैं? फोन मारना था ना रे भाई। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। एक एक टीका तो लगता है, एक टीका तो बन जाएगा। फोन मार लोगे, केक खिलाओ, फोन मार के ना हार्ड। बहुत ही टेम्पटिंग केक लग रहा है, और मैं वैसे भी बल्किंग कर रहा हूँ, तो एक आधी बार चीट तो चलती है। तो मैं खा के आपको बताता हूँ कैसा है केक। इसको गरम किया हुआ है तो बहुत ही अमेजिंग है। अमेजिंग, यही जन्नत है। क्यों हम फिटनेस फ्रीक लोग मेंटेन करते हैं, ये अगर रोज खाए तो बहुत मजा आ जाएगा। अमेजिंग है। और एक बार खा के दिखाता हूँ। आओ जलाओ, और एक बार खा के दिखाऊंगे, एक बार खा के दिखाऊंगे। दो और जलाओ। और कैसा है केक? कैसा है? बहुत अमेजिंग है। और जलाओ। थैंक यू, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलना। लाइक शेयर।